हो गए, 11 बजे तक किसी ने ढूंढने की कोशिश नहीं की। फर्स्ट डे दिन के रात के दिन में सुबह 7:30 बजे जाते थे, 10 बजे वापस आते थे, 1.5 से 1.5 घंटे के अंदर। लेकिन हुआ ऐसे कि 11-12 बज गए तो भी नहीं आए। फिर ये इनके ससुर जी, मेरी बहन के ससुर जी बाहर मार्केट में जाके गांव वालों को बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, अभी तक आए नहीं, क्या वजह है? क्योंकि इनके पास में कोई फोन वगैरह नहीं था। तो ये लोग ढूंढने के लिए जब निकलते हैं तो ये जो जहाँ पे डेड बॉडी मिली वहाँ पे एक बंदा सुबह 10 बजे से तो दोपहर में 2 बजे पकड़ रहा था एक बॉडी के अंदर। नदी में फिश नहीं है क्योंकि पानी अगर ज्यादा रहा तो फिश रहता, बॉडी अंदर वो फिश पकड़ रहा था, उसने वहाँ बैठा था। उसने फिर खाना खाने के वापस आया, उसके बाद 7 बजे तक 6 बजे तक वही बैठा फिश पकड़ने के लिए, उन्हें दिन जैसा वो बैठा था, वो उसके काम से बैठा था। तो दिन में सुबह कुछ वहाँ पे नजर नहीं आया। और उस दिन बाजार था जिस दिन ये मिस हुए, बाजार के लोग वो मोहल्ले में उधर के आगे कोई गांव है तो लोग डेली का आने जाने का रास्ता था। अगर कोई सुबह लाके वहाँ फेंक भी देता है दोपहर में 3 बजे 4 बजे या डूब के मर भी जाते तो किसी को ना किसी को नजर आते थे, जिसमें से 200 लोग रोड से रास्ते से आना जाना रहता। तो ये जो मल्ला है ये गांव उधर एक है बीच में मल्ला है, इधर ये जो गोरगांव। फिर जब फोन आता है तो मैं 3 बजे वहाँ मौजूद होता, 3:30 बजे के वक्त। रात में 4 बजे तक मैं खुद ये लोगों के साथ में था, गांव के सब समाज लोगों ने ढूंढने की पूरी कोशिश की लेकिन रात में 4 बजे तक कुछ नहीं मिला। फिर सुबह नमाज के बाद लोग एक घंटा 2 घंटा से, फिर सुबह नमाज के बाद 5:30 6 बजे लोग फिर ढूंढने निकलते भाई आसपास, हो सकता है रात में कहीं और किसी ने कुछ कर दिया, बड़ी पानी सामान जाके तालाब वगैरह हर चीज ढूंढ ले। दूसरे दिन सुबह ऐसा होता साहब 7:30 8 बजे के वक्त, सबका बोलना ये था कि रात में अगर कुछ हो सकता है इधर तो अपन जाके देख लेते। तो गांव के सब 15-20 अकेला बंदा कोई भी नहीं था जो देखने के लिए, 10 से 15 की टोली के साथ में थी। अपन ये नहीं बोल सकते भाई अकेला बंदा था वो तो होगा ऐसा नहीं, सब साथ में थे। जब जाने लगे तो गांव से 1/2 किलोमीटर के ऊपर पहले उसकी ननन जो फरीदा है उसकी बॉडी ऐसी पोजीशन में मिलती जिसके अंदर जो तो डूबने का सवाल ही नहीं आया। तो उसके बाद सबको ऐसा अंदाजा लगता है कि भाई ये बॉडी है तो दूसरी भी कहीं आसपास में होंगी। मैं खुद उस वक्त मौजूद था, मैं साथ में जाने लगा तो मैंने वहाँ के पुलिस पटेल जो है नंदू भाई उनको बुलाया और वहाँ के सरपंच, क्योंकि उन लोगों पे तो आपको यकीन और यतमा दूंगा कि भाई वो कैसे, वो लोगों को साथ में बुलाया। वो पूरी टीम मेरे साथ में थी दूसरी बॉडी ढूंढने के लिए। वहाँ से 1/2 किलोमीटर आगे, 1/2 से 1/4 किलोमीटर के करीब जो बंदे का मल्ला था वो वहाँ पे पानी खाने के लिए उन्होंने एक कट्टा बना हुआ दीवार बनी हुई है जहाँ पे वो बॉडी मिली। उसके बाद में वो बॉडी की पोजिशन वैसी थी, मैत्रे साहब को बुलाया वहाँ पर, मैत्रे साहब खुद मौजूद थे। मैत्रे साहब ने कोई मतलब नज़दीक नहीं गए, उन्होंने कैमरा लिया जो भी तुम्हारे डिपार्टमेंट का कैमरा, तो कैमरा पकड़ के और ये लोगों को बॉडी उठाने लगा। बॉडी उठाने के बाद किसी को उन्होंने देखने का मौका नहीं। आप वीडियो में सकते मैं झूठ बोल रहा हूँ लेकिन डिपार्टमेंट के लोगों ने और क्यों ने देखने दिया वो उनको पता, बोले फटाक से पीएम के लिए लेके जाना है यहाँ लोग बहुत, क्योंकि लोगों की तादाद ज्यादा थी, हो सकता है उनकी वजह से उन्होंने बोला वहाँ कोई दिक्कत परेशानी ना बढ़े बोल के। उन्होंने वो चीज़ को वहाँ से बॉडी को दोनों उठाया, मैं खुद साथ में मौजूद था। फिर हमारी बहन की एक चुलत सास है जो सासू साथ में थी, साथ में आने के बाद पीएम की बोले तुम्हारी कोई लेडीज साथ में ले लो, हम बोले सब डिपार्टमेंट की भी एक लेडीज, एक दो लेडीज है तो पुलिस डिपार्टमेंट की लेडीज उनकी जेरे निगरानी में ये चीज होगा। तो मैं ये भी बोला सदर साहब आपने जो बताया कैमरे का, तो मैं कैमरे का भी बोला क्योंकि मेरे को डाउटफुल पूरा हो गया था जगह पे स्पॉट पे जब मैं हाथ को कर पे देखा। तो उसके बाद में क्या हुआ साहब 4 बजे तक भी वो चीज ढूंढे, फिर जब पीएम के लिए गए वो लेडीज अंदर थी जो पीएम करने के लिए उस वक्त मौजूद थी। पीएम करते वक्त मुझे अंदर घुसने नहीं दिया, ठीक है मेरी बहन है वो लेडीज थी, बहन तो मेरी थी, मेरा तो खून था, मैं अंदर जाना मेरा जायज था, ठीक है वो मेरी पीठ की बहन थी मैं जा सकता था अंदर। मुझे पुलिस डिपार्टमेंट ने, मैं जिस तरीके से मैं बात कर रहा था उनको ऐसा लगा कि ये कुछ बारीकी से कुछ देखेगा और मामला बढ़ेगा। मुझे उन्होंने बाहर ढकेल दिया, गोरे से साहब नाम नहीं पहचानता उनका, मैं सामने आएंगे तो मैं बता दूंगा। उन्होंने मुझे बाहर ढकेल दिया, अगर वह घाटी का कैमरा है तो देख सकते उसके अंदर किस तरह मुझे ढकला था। मैं तो मेरे दुख में परेशान था इसलिए मैं बोला अपने काम से मतलब अपने कुछ चीज करना नहीं, तमाशा करना नहीं, मैं साइलेंस होकर साइड में बैठ गया। वो लेडीज अंदर जाती है, वो लेडीज जाने के बाद में सब तरीके से उन्होंने देखा जैसे कि उनके कपड़े वगैरह उतार के, तो उनके यहाँ पर भी मार था जान के मांडी के नजदीक, उसमें एक का जो यहाँ पे फूटा हुआ था उसमें दूसरी बात ये जबड़ा जो आता है फिश खाती मानता उस बात को मैं, टुकड़ा नहीं होता साहब हड्डी का फिश की वजह से, अगर तुम्हारा बोलना है डिपार्टमेंट का जो भी घाटी के लोगों का भाई वो जो है तो फिश ने खाई तो फिश हड्डी नहीं खाती साहब, अगर खा भी लेती तो खेकड़े हड्डी भी लेते इतने अर्जेंट होता नहीं। और जब बॉडी पोस्टमार्टम उन्होंने जबरदस्ती जो है तो लेडीज अभी मीडिया में भी बाइट दी उसने, अभी वो लेडीज भी बाहर भी है। अगर आप बोलते जो रियल जो कंडीशन थी अंदर डिपार्टमेंट ने जो उनको ये बताया कि ये जो है मार लगा हुआ नहीं है, ये फिश ने खाई हुई है, ये खेकड़े ने खाया हुआ, जबकि अभी भी आप जाके देख सकते साहब अगर वहाँ एक फिश निकल गई तो ये केस का मैं रफा दफा कर दूंगा, मुझे कुछ नहीं करना है। अगर फिश निकलती है खेकड़े निकलते वहाँ कुछ भी नहीं, शक 1000% में प्रूफ दे रहा हूँ हर चीज का, धीरे धीरे चूंकि आप 5 मिनट दीजिएगा। उसके बाद में क्या
उसके बाद में क्या हुआ, जब वो बाहर निकलने के बाद उन्होंने उनकी साइन दी मेरे सामने, मैंने बोला खाला क्या हुआ, तो बोले यार वो तो मेरे को बोलने भी नहीं दे रहे, बोले मैंने कैसे बोल, बोले काम करो पेपर बनाने जाओ पीएम के लिए, मैं साथ में चलेगा क्योंकि मेरे फैमिली का कोई उनकी फैमिली का कोई लोग नहीं था, मैं तो भाई था बोल के मैं चले गए, वो लेडीज को वहां से फिर उन्होंने साइन वगैरह लेके नहीं, बोला ऐसा कुछ भी नहीं है तुम ये गलत बता रहे, तो बोले साहब ये कर पे फिश ऐसा गोल कर पा नहीं मारती। और दूसरी बात साहब, इस जगह पर फोटो में भी आपको दिख रहा होगा, इस जगह पर जो है तो जैसे करंट लगने से इतना हिस्सा जलता है, उतना जला हुआ अभी वो तो उसमें दिख रहा है, वो जला हुआ है क्योंकि वो करंट भी शॉक भी दिया हुआ है, जैसे कि बॉडी करंट देने के बाद कुछ तो ब्लैक थोड़ा सा कुछ हो जाता है, उतना जले हुआ वो होने के बाद में साहब फिर वापस पीएम के पीएम करने के बाद हम चले जाते हैं जो भी अपने धार्मिक तरीके से जो भी करना है करके, फिर उस बात में ये लोगों का डर शक बढ़ जाता है ये जो चीजों से गांव वालों का, कि भाई 15 दिन पहले जिस दिन ये हादसा हुआ था 15 से 20 दिन पहले शिंदे नामक बंदा है, क्योंकि इसलिए मालूम पड़ रहा उस बात का कि उसने 15-20 दिन पहले ये हमारी जो बहन थी ये थोड़ा डेरिंग बात थी, मजबूत थी, मर्दों के सामने डट के खड़े रह सकती थी, ये पूरा गांव गवाही देगा उस बात का। तो वो जब वहां पे गई थी 15-20 दिन पहले, इसका दिन उम्र 28-31-32 के करीब होंगे सब, तो ये जब जाने के वहां जाने के बाद में उस बंदे ने उसको छेड़ने की पूरी कोशिश की थी 20 दिन पहले की बात है, ये हादसा होने के 20 दिन पहले, तो उस टाइम में बच्चा भी बाहर है, तुम उसको एक दिन अलग अलग तरीके से पूछो तो वही जवाब उसके मुंह से निकलेगा बच्चे का, तो वो भी यहाँ पे मौजूद है, वो बच्चे को उसने वापस आया तो उसने उसको झटापटी करके वहां से वो वापस घर पे आ गया, आने के बाद उन्हें हमारे जीजू को बोली, उसने ये भी बोला था बोलते कि भाई अब इसके बाद कभी तू दिखी बोले था तो देखते रहा मैं क्या हश्र करता, ये वो बंदे ने बोला था। अब वो 4-5 बाप बेटे साहब गाँव का नहीं, बाजू में मल्ले का है, गांव का कोई समाज का आदमी ऐसा वो रहने वाला का मतलब इस गांव का नहीं बाजू के गांव का, इस गांव का नहीं बाजू के गांव का। तो सब उस वक्त वो बच्चा आके वापस बोलता क्या वो ऐसा ऐसा जो अम्मी को एक बंदे ने छेड़ा था, अम्मी ने उसको लात मार के वापस आकर उसने ऐसा था बोला, तो इन्होंने खुद से पूछे कि भाई क्यों ऐसा बोले, हाँ ऐसा तो बोला बोले उसने मेरे, देखो मैं देख क्या करता क्या करता, तो इनको ऐसा लगा भैया कोई मुर्गी बच्चा नहीं मार सकता इतना बड़ा हादसा इतना कौन करेगा, इन्होंने इसको लेकर और गाड़ी पे चले गए। जाने के बाद फिर ये उनकी भांजी भी साथ में थी, किसकी, हमारी बहन की ननंद की बच्ची साथ में थी जिसका डेथ हुई ना, वो भी एक बार उस वो 10-11 साल 12 साल की लड़की अभी है वो, उसका भी जवाब हुई था कि ऐसा ऐसा बोला था बोल अभी इसमें डेथ की थी कोई क्या दो की दो, इसकी ननंद थी बच्ची उसकी जिसकी डेथ हुई उसकी बच्ची 11 साल, दूसरे जो जिसकी डेथ हो गई उनकी उम्र क्या थी, उनकी उम्र 2 साल का 33-34 की उनकी एज थी। फिर वो जब होने के बाद जब गांव वाले ढूंढने निकलते हैं तो वो शेड से लेकर बखारे लकड़ी के वो शेड से लेकर जहाँ तक बॉडी लाके फेंकी गई उस जगह पे हर जगह जगह पे जो तो खून के ब्लड के निशान थे टपके टपके हर जगह पर, ठीक है। तो जैसे ये पता चला तो दोबारा बोलो निशान, ये बॉडी ये स्पॉट था जहाँ पर वो बंदे का बखार वगैरह शेड जो भी था उसका, यहाँ से बॉडी उसने जो एरिया तक जो जहाँ तक लाके फेंका बॉडी ने बॉडी उसकी जिसम उसका बॉडी ने नदी, तो उसने वहां पे लाके फेंकने तक जो सीमेंट का कट्टा बना हुआ यहाँ पे उससे चल के आया तो उसका ब्लड उस पे से गिरते हुए उस जगह तक गया जहां तक वो बॉडी जो उसकी डेथ बॉडी जो लाके उसने फेंका था। अब वो किस तरीके से फेंका था, और दूसरी बात उसने जहां तक उससे लाया गया लाया लेकिन गीली जमीन होने को जैसे पानी वगैरह कुछ था तो ऐसा उन्हें जैसा खींचते हुए लाया ना तो जैसा घास दोनों तरफ ऐसा निशान उसके लगते है, और एक जगह पर सब उसमें पूरे वीडियोस फोटोज भी है कि वो जब भागने की कोशिश कर रही होंगी, ये मेरा अंदाज है क्योंकि मैंने जो वीडियो देखा तो उनके पैर के अंदर जो लोफर था आज भी मौजूद है, वो लोफर में भाग रही होंगी शायद से, तो उसके निशान उसके वजह से दबा किए हुए तो गिले उसके अंदर है आज भी मौजूद है वीडियो में भी। ये सब चीजें मेहतरे साहब के निगरानी में हुआ, ये किसी ने दिल से नहीं बोला, उनको बुलाया वहां पर और बताया साहब ऐसा, तो मेहतरे साहब का जवाब आता है कि ये बैल का निशान बैल का ब्लड है, तो साहब वो तो कत्ल खाना नहीं है, चलो ठीक है अगर ब्लड अगर बैल का है तो कैसे प्रूफ कर रहे आप, देखते जो कैसे बोल दिया आपने कि ये ब्लड जो है तो बैल का है, ठीक है मान लो वो ब्लड अगर तुम्हारे हिसाब से बोलना है कि बैल का है, तो साहब जो घिसाड़ी ने वो मुट्ठी के अंदर जो दरा दिया थी घास काटने का जो औजार था उसमें जो खिला मार के दिया था वो देखते पहचान लेता ये मैंने दिया था बोले, फैमिली के लोग तो पहचान रहे लेकिन आप फैमिली के लोग झुठलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो दरा थी किसके पास थी, घर पे की थी, घर की थी, बच्चों ने पहचाने वही मिले, एक मिनट भाई मिली, तो मेहतर साहब ने ऐसा उसको बोले ये इसके ऊपर ये इनका होगा, बोले तुम कैसे बोल सकते कि रहने वाले लोग या कि इनका, बोले साहब ये हमारे निशान है उसके ऊपर टूटा हुआ है बच्चा बच्चा पहचानता वो सब चीज़। उसके बाद साहब हाथ को जो बांधी हुई रस्सी थी वो ब्लड से भरी हुई उस वक्त मेहतर साहब को बताया गया, तो बोले ये बैल के इनको बांधते रहते उसका निकला हर चीज बैल के ऊपर, तो उसके अंदर एक टेस्टिंग करने वाला बंदा जो अपना रिलेटिव है जिसका खुद का लैब है
तो उसने बोला साहब मैं ये इसके अंदर काम करता हूँ, ये चीज मुझे लगता मेरा अंदाज के ये ओरिजिनल जो है तो ये जेंट्स का इंसान का लेडीज का खून है, फिर भी मैं इसको प्रूव नहीं कर रहा।